Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 27th of January 2019. So 27 January 2019 ka news analysis shuru karte hain. Before we start, these are the questions for you today. The first question is, test and treat policy is associated with which of the following disease? So test and treat policy in mein se kis se associated hai? Options are tuberculosis, leprosy, malaria and dengue, HIV AIDS. Question number 2 is, which of the following are cold currents? In mein se kaun se cold currents hai? Kuroshio current, second is Aghulas current, third is Benguela current, fourth is Labrador current. So, in mein se aap batana hai kaun kaun se isme se cold current hai. Options are 1 and 2 only, 1 and 3 only, 3 and 4 only, or 2 and 4 only. Question number 3 is, a postgraduate degree holder working as a clerk in an office is an example of. तो अगर एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर है, अगर वो क्लर्क की तरह काम कर रहा है किसी ऑफिस में, तो ये किस तरीके का एग्जांपल है? ऑप्शंस आर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, तो आपको बताना है इनमें से कौन से टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट होगा अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर यानी कि एमए किया हुआ, एमबीए किया हुआ आदमी अगर क्लर्क की तरह काम करेगा ऑफिस में, तो वो किस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट है. सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड वी हैव ऑलरेडी रिलीज द पीडीएफ फ्रॉम ऑगस्ट टू अक्टूबर. तो थैंक्स फॉर सच अ ग्रेट रिस्पॉन्स फॉर द पीडीएफ. जो लोग पढ़ रहे हैं उनको काफी पसंद भी आ रही है, थैंक्स फॉर दैट. एंड जिनको लगता है कि देयर करंट अफेयर्स इज वीक फ्रॉम दैट पोर्शन, तो अगस्त अक्टूबर का वो पीडीएफ ले सकते हैं. लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन बिलो. तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट से वो लिंक ले लीजिएगा. हाँ, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि वो हिंदी मीडियम में है कि इंग्लिश मीडियम में, तो सैंपल अपलोडेड है, आप देख भी सकते हैं, बट दैट इज फॉर इंग्लिश मीडियम. तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे ले सकते हैं. एंड हिंदी मीडियम को मैं सजेस्ट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आपका मीडियम हिंदी है, सो कुछ दिक्कत तो आएगी ही आएगी. सो फॉर दैट रीजन इंग्लिश मीडियम के जितने भी बच्चे हैं, दे कैन टेक द पीडीएफ. लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन बिलो. Now let's start with the news analysis part. The first news is regarding Trump ending the shutdown. तो basically पहले हम ये देख लेते कि shutdown शुरू क्यों हुआ था अमेरिका में. तो shutdown का reason ये था कि Donald Trump ने demand किया था $6 billion. Now $6 billion money was demanded by Donald Trump. और उसका reason क्या था? उसका reason ये था कि उनको एक wall बनानी थी, the Mexico wall जिसको बोल रहे थे, कि एक stop करना है illegal migration from Mexico, the migration coming from Mexico, क्योंकि वो लोग आते हैं फिर यहाँ पे job ले लेते हैं. एक तो illegal migration होते हैं तो ऑलरेडी लीगल नहीं है, एंड वो जॉब भी ले लेते हैं अमेरिकन्स की, तो अमेरिकन्स फॉर अमेरिका फॉर अमेरिकन्स, ये डोनाल्ड ट्रंप का नारा था. और इस कारण से वो चाहते थे कि एक वॉल बनाई जाए ताकि ये इलीगल माइग्रेशन रोका जा सके, इनको स्टॉप किया जा सके. एंड फॉर दैट रीजन ही डिमांडेड $6 billion मनी. एंड जो यूएस कांग्रेस है, जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो वहाँ पे दूसरा जो पार्लियामेंट है वहाँ का, बेसिकली वहाँ पे ये चीज़ पास नहीं हो पाई, वहाँ उन्होंने मना कर दिया एंड दे वर नॉट इन फेवर ऑफ दैट. देयरफॉर ये शटडाउन हुआ. डोनाल्ड ट्रंप बैकडाउन नहीं कर रहे थे, एंड जो वहाँ की पार्लियामेंट है वो भी बैकडाउन नहीं कर रही थी. बिकॉज ऑफ दैट रीजन दिस शटडाउन वॉज देयर. ये ड्यूरेशन जरूरी है, देख लीजिएगा. कुछ एग्जाम्स डायरेक्टली ड्यूरेशन भी पूछ सकते हैं कितने दिनों चला. तो 34 days 21 hours and 18 minutes, बेसिकली 34 days 21 hours and 18 minutes, दिस वॉज द ड्यूरेशन ऑफ शटडाउन. तो याद रखिएगा. एंड अगर आप पोल देखे तो कौन ज्यादा जिम्मेदार था, तो इट वॉज द डोनाल्ड ट्रंप्स मेस, जिसको कि 55% लोगों ने बोला कि ये डोनाल्ड ट्रंप के कारण ऐसा हुआ. नाउ ये शटडाउन खत्म कैसे हुआ? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली बैकडाउन कर ली है ऑफ हिज रिक्वेस्ट टू गेट $6 billion. तो जो पैसा वो चाहते थे $6 billion, वो नहीं लेंगे, एंड ही हैज बैकडाउन फ्रॉम दैट. सो सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम इज रिगार्डिंग द हरप्पन वैली सिविलाइजेशन, हरप्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन. एंड इसमें अभी रिसेंटली कुछ स्केलेटल रिमेन्स मिले हैं जिनको कि रखीगढ़ी हरियाणा में पाया गया. ओके, तो रखीगढ़ी हरियाणा में कुछ स्केलेटल रिमेन्स मिले हैं. अब देखो, ये हरप्पन सिविलाइजेशन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जैसे पूछे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डिड दे नो अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर? तो हाँ, उनको गोल्ड और सिल्वर का नॉलेज था. दे न्यू इनफैक्ट एवरीथिंग अबाउट आयरन, आयरन के अलावा उनको सब चीज़ों का नॉलेज था. तो कुछ चीज़ें मैं अपने से बता रहा हूँ, ये लिखी नहीं है कहीं पे. जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता जा रहा हूं, अपने जो भी मुझे याद है. ओके, सो फ्रॉम दैट आई एम टेलिंग यू. जैसे कुछ कहीं पूछा जाता है कि विच वॉज द सिटी इन 3 parts, जो 3 parts में रही हो, तो धौलावीरा वॉज द सिटी इन 3 parts. और ये कहां पर है? ये आपकी गुजरात में है धौलावीरा. सो दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. डॉकयार्ड का भी पूछा था कि विच वॉज द ओनली डॉकयार्ड फ्रॉम द हड़प्पन सिविलाइजेशन या IVC. तो वहां पे लोथल आपको याद रखना है, लोथल वॉज द एग्जाम्पल ऑफ द डॉकयार्ड. ओके, इसके अलावा कुछ पूछते हैं कि विच वॉज द सिटी विदाउट अ सिटाडेल, सिटी विदाउट अ सिटाडेल. तो चनहुदड़ो वॉज द सिटी विदाउट अ सिटाडेल, याद रखिएगा. चनहुदड़ो वॉज द
सिटी विदाउट अ सिटाडेल। फिर और कुछ सिटीज़ थी जैसे कि मोहनजोदड़ो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, ग्रेट बाथ, ये सारी चीज़ें वहाँ पाई गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी थी। एंड पशुपतिनाथ की सील, ये भी इंपॉर्टेंट एक टर्म है पशुपतिनाथ की सील, तो पूछा था कौन कौन से एनिमल्स उसमें आते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज़ सर्च कर लीजिएगा सारे पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। फिर एक आता है कि कॉटन का यूज़ वो करते थे कि नहीं करते थे, तो बिल्कुल करते थे, ये भी पता चला कि कॉटन का यूज़ भी करते थे। ओके, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ज़रूरी है जानना। और एक और सिटीज़ थी जैसे वहाँ पे आलमगीरपुर थी, आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर आपके यूपी साइड आती है। फिर दैमाबाद एक सिटी थी, दैमाबाद जो कि सदर्न मोस्ट पॉइंट था, आई थिंक सदर्न मोस्ट सिटी थी, ये आपके महाराष्ट्र में आती है, महाराष्ट्र रीजन में आती है। ओके, तो आलमगीरपुर, फैज़ाबाद, ये आपकी दैमाबाद, ये सारी सिटीज़ याद रखिएगा। रोपर थी, कालीबंगन थी, कालीबंगन वॉज द सिटी, एंड कालीबंगन आपके कौन से स्टेट में आती है, कालीबंगन आपके आती है राजस्थान स्टेट में। ओके, तो कालीबंगन थी। देन बनवाली भी एक सिटी थी, रखीगढ़ी आपकी हरियाणा में है, ये बनवाली भी हरियाणा में ही थी आई थिंक, एंड कालीबंगन जो थी वो आपके राजस्थान में थी। तो दीज वर द सिटीज़, फेमस सिटीज़। ओके, एक सूतका गंडोर भी थी, सूतका गंडोर, ये आके पाकिस्तान वाली रीजन में आती आई थिंक। तो ये सारी सिटीज़ थी बेसिकली, और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा कौन किसने क्या बनाया था। डॉकयार्ड लोथल, लोथल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसका एक केस स्टडी पढ़ लीजिएगा। तो ये सारे आई थिंक कि आपको क्लियरिटी आ गई होगी और कुछ चीज़ें आपको समझ में भी आ गई होगी एक्स्ट्रा जो आपको नहीं पता रहा होगा, तो मैंने बहुत सारे फैक्ट्स बताए हैं इसके रिगार्डिंग। नाउ लेट्स कम टू द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे आते हैं। अब इस न्यूज़ आइटम में मैं सारी न्यूज़ आइटम कवर कर लूँगा, बहुत सारे न्यूज़ आइटम्स थे अलग अलग, जैसे अब साइड में आपको दिख रहा होगा कि गांधी थीम, ये आपको नीचे दिख रहा होगा डेली टैबलो बैक आफ्टर ईयर्स, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं एक ही न्यूज़ आइटम में कवर करूँगा क्योंकि अलग अलग डिस्कस करने को मतलब नहीं है, बार बार रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में ऐसा हुआ, रिपब्लिक डे में ऐसा हुआ, एक में अपन पूरा कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फैक्ट्स, पूरे हाइलाइट्स अपन देख लेते हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, लिखा जो है वहाँ से नहीं बता रहा हूँ मैं, थोड़ा अपने से बता रहा हूँ आपको, कि जो थीम थी बेसिकली वो थी 150th एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। तो बेसिकली जो थीम थी वो थी 150th सेलिब्रेशन ऑफ महात्मा गांधी एनिवर्सरी। तो 150 साल हुए थे, सिरिल रैमफोसा यहां के चीफ गेस्ट थे इस बार के, सिरिल रैमफोसा। ओके, तो साउथ अफ्रीका से रिलेशन भी था महात्मा गांधी का काफी, और ये भी एक रीजन हो सकता है कि उनको बुलाया गया हो, उनको सेलिब्रेशन में बुलाया गया था, सो दैट इज द थिंग। नाउ फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो अलग अलग फैक्ट्स थे बताता हूं। INA वेटरन्स, जो INA वेटरन्स हैं, दे वर ऑल एज्ड 90 ईयर्स, दे पार्टिसिपेट इन द परेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो INA वेटरन्स ने पार्टिसिपेट किया था इन द परेड फॉर द फर्स्ट टाइम। जो थीम थी वो थी वेटरन्स एक्सेलरेटर्स इन नेशंस ग्रोथ। तो एक्सेलरेटर्स इन नेशंस ग्रोथ, दिस इज वेटरन्स एक्सेलरेटर्स इन नेशनल ग्रोथ, दिस वॉज द थीम। INA वेटरन्स ऑल एज 90, दे पार्टिसिपेटेड इन द परेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, देन पार्टिसिपेटिंग इन द रिपब्लिक डे परेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री वॉज द असम राइफल्स टेबलू, एंड इसमें क्या था कि पूरे वुमेन थी। ओके, तो इट वॉज शोकेसिंग द वुमेन पावर। द फ्रंट पेज में जो फोटोग्राफ थी असम राइफल्स की वुमेन टेबलो के साथ, सो दैट इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। ओके, एंड एन ऑल वुमेन कंटिजेंट वॉज लेड बाय मेजर खुशबू कंवर। ओके, तो खुशबू कंवर ने इसको लीड किया था, खुशबू कंवर ने। ओके, सो दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड असम राइफल्स का इंपॉर्टेंट याद रखेगा कि पूरा ऑल वुमेन कंटिजेंट था जिसने कि लीड किसने किया था, मेजर खुशबू कन्वर ने। ओके, नाउ CISF विच इज ऑल्सो सेलिब्रेटिंग 50 ईयर्स ऑफ सर्विस टू द नेशन। तो CISF जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज, दे आर सेलिब्रेटिंग 50 ईयर्स टू द सर्विस ऑफ नेशन, एंड ये भी रिपब्लिक डे परेड में आफ्टर 11 ईयर्स आई, दे केम बैक टू द रिपब्लिक डे परेड आफ्टर 11 ईयर्स। ओके, देन कंटिजेंट्स ऑफ द आर्मी नेवी सर्विस कॉप्स एंड यूनिट्स ऑफ कॉप्स ऑफ सिग्नल्स जो कि सेटेलाइट टर्मिनल में काम करते हैं, दे वर लेड बाय वुमेन ऑफिसर्स टू। तो इस बार सबसे बड़ी बात यह कि आर्मी नेवी जो नेवी आर्मी सर्विस कॉप्स एंड यूनिट ऑफ कॉप्स ऑफ सिग्नल्स, इनकी जो कंटिजेंट्स थी, इनको लीड करने वाली जो थी वो महिला थी। सो दैट इज ऑल्सो शोकेसिंग द नारी शक्ति और वुमेन एम्पावरमेंट। एक तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट भी बहुत बड़ा हिस्सा था इस बार की रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में। देन इंडियन रेलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये न्यूज आइटम ऐसी थी जब मैं पढ़ रहा था, आई वाज सीइंग दिस ऑन टेलीविजन, तो कल मैं देख रहा था रात में, तो इट मतलब ब्रॉट टीयर्स इन टू माई आईज, वेरी वेरी मूविंग है, मतलब इस बार का बहुत ज्यादा मूविंग था, कुछ चीजें तो बहुत ज्यादा मूविंग थी। फॉर एग्जाम्पल इंडियन रेलवेज ने जो शोकेस किया था वो था मोहनदास करमचंद गांधी ट्रांसफॉर्मेशन टू महात्मा गांधी, मतलब किस तरीके से मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बने, और उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था वो एक ट्रेन थी जो कि पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में हुआ था हादसा उनके साथ, कि यूरोपियन ओनली कंपार्टमेंट में महात्मा गांधी बैठ गए थे, वहां से उनको बाहर उठा के फेंक दिया गया था, एंड दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री, एंड बहुत बड़ा पॉइंट था जब मोहनदास करमचंद गांधी उस दिन से बनने की शुरुआत हो गई थी कि वो महात्मा गांधी में कन्वर्ट हो गए। स्टेशन का नाम याद रखिएगा पीटर मारिट्सबर्ग, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेशन पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। देन टेबलो फ्रॉम कर्नाटका, जो कर्नाटका था उसने शोकेस किया था 39th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस,
39th session of Indian National Congress, which was 1924. This was the only session which was led by Mahatma Gandhi. Only session to be led by Mahatma Gandhi was the 1924 session, which was 39th session in Belgaon. Belgaon session is called Belgaon session. Bola jata hai. Karnataka is a place, so Karnataka ke tableau mein isko showcase kiya gaya tha. Belgaon jagah hai, yaad rakhega. Okay, 39th session of Indian National Congress, very very important, 1924. Okay. फिर टेबलो ऑफ पंजाब, जो पंजाब था उसने जलियांवाला बाग मैसेकर को शोकेस किया था. द पंजाब टेबलो वाज शोकेसिंग द जलियांवाला बाग मैसेकर. दिल्ली का जो टेबलो था, जो बगल की न्यूज है वो अपन कवर कर रहे हैं. तो दिल्ली का जो टेबलो था उसमें गांधीजीज एसोसिएशन विद दिल्ली एंड बिरला हाउस. ओके, बिरला हाउस के साथ उनका क्या संबंध था. गांधी जी ने बहुत समय दिल्ली में भी बिताया एंड बिरला हाउस को भी बोला जाता है गांधी स्मृति बोला जाता है. इट इज नोन एज गांधी स्मृति. तो वहां से उनका क्या सेलिब्रेशन, क्या उनका एसोसिएशन था, दिल्ली ने वो शोकेस किया था. थीम हमने देख ली कि एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी वाज़ द थीम. महाराष्ट्र के टेबलो में क्विट इंडिया मूवमेंट शोकेस किया गया था. द टेबलो ऑफ महाराष्ट्र शोड द क्विट इंडिया मूवमेंट. तो क्विट इंडिया मूवमेंट को दिखाया गया था महाराष्ट्र के टेबलो में. देन अंडमान एंड निकोबार ने सेल्युलर जेल को थीम रखा था. अंडमान एंड निकोबार पुट सेल्युलर जेल एज द थीम. फिर सिक्किम का लिखा नहीं है, बता दें सिक्किम जो है वो सैनिटेशन से एसोसिएटेड उन्होंने टेबलो निकाला था. इट वॉज एसोसिएटेड विद द सैनिटेशन. और त्रिपुरा ने एक निकाला था टेबलो ऑन स्वच्छता एंड गांधी जी ऑन द चरखा. ओके, तो स्वच्छता और गांधी जी चरखा के साथ उनका रिलेशन दिखाया गया था. दिस वॉज द टेबलो ऑफ त्रिपुरा. त्रिपुरा ने लास्ट ईयर आई थिंक होजागिरी दिखाया था. होजागिरी डांस वॉज शोकेस देयर. तो ये भी इंपॉर्टेंट है. बट अभी का याद रखेगा कि त्रिपुरा ने गांधी जी को स्वच्छता और उसके बाद चरखा दिखाया था. तो ये सारे एक बार फिर से सुन लीजिएगा. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ये सारे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में. कोई भी पॉइंट पूछा जा सकता है. तो आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी और काफी डिटेल में हमने एक तरह से कवर कर लिया. ओके, क्योंकि न्यूज़पेपर के साथ इतना ही कवर कर सकते हैं. फिर बाकी पूरा 3 घंटे के फंक्शन के बारे में अपन नहीं बता सकते 2 मिनट में. बट आई थिंक कि मैंने पूरी तरीके से एक बार कवर करने की कोशिश की है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम. आगे की न्यूज में आते हैं. ये तो एड्स हैं ये सारे. कालिया स्कीम फिर से न्यूज में आ रही है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है. तो याद रखेगा कि कालिया कहाँ की स्कीम है. इट इज बेसिकली द स्कीम ऑफ उड़ीसा. ओके, तो कालिया में के जो है वो कृषक से एसोसिएटेड है. पूरा फुल फॉर्म तो मुझे भी याद नहीं है अभी. एंड ये ध्यान रखेगा, इसका फुल फॉर्म किसी को पता हो तो फिर से बता दीजिए. मैंने तो 6-7 बार डिस्कस किया हुआ है. ओके, तो कालिया स्कीम क्या है. दिस इज गिविंग एन यूनिक मॉडल फॉर एग्रीकल्चर ग्रोथ. तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यह था कि शेयर क्रॉपर्स, टेनेंट्स और सबको भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा था. उनको भी पैसे दिए जा रहे थे ताकि वो कुछ कुछ कर सके. ओके, एंड जो इस बार आई थिंक उड़ीसा का जो टेबलो था, उड़ीसा ने वहां पे स्टेट लेवल पे दिखाया था इस चीज को. स्टेट लेवल पे अपने एक टेबलो दिखाया था, उसमें भी कालिया स्कीम के बारे में उन्होंने दिखाया उड़ीसा ने. सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो कालिया स्कीम के बारे में जरूर याद रखिएगा. इट्स रिलेटेड टू फार्मर्स. तो ये भी याद पूछ सकता है कि किससे एसोसिएटेड है. फार्मर से एसोसिएटेड है कि कोल से एसोसिएटेड है. देखो कालिया नाम है तो कोल और माइनिंग से एसोसिएटेड भी लिख सकते हैं ऑप्शन में. तो इसमें अपन को ट्रैप में नहीं आना है. याद रखना कि ये फार्मर से एसोसिएटेड है. नो एमपी एश्योर्स 100 डेज वर्क टू ईडब्ल्यूएस यूथ. तो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के यूथ रहेंगे, नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दैट कि आप सबको पता है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा. ओके, 10% रिजर्वेशन तो अच्छी बात है. नाउ एक अच्छा इनिशिएटिव मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया है ये कि नाउ दे विल एश्योर 100 डेज ऑफ वर्क टू ईडब्ल्यूएस यूथ. मतलब कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के जो यूथ है उनको 100 दिनों का गारंटीड रोजगार दिया जाएगा. जैसे नरेगा थी ना, मनरेगा स्कीम के जैसे ही उनको 100 दिनों का रोजगार दिया जाएगा. नाउ बेसिकली इसको युवा स्वाभिमान योजना बोला जा रहा है. युवा स्वाभिमान योजना. इसके रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे. जो रजिस्टर होंगे लोग उसके अंदर, उनको 100 दिनों का गारंटीड रोजगार दिया जाएगा. इसमें इकोनॉमिक सेक्शन रहेगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को ये मिलेगा. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है तो ये याद रखेगा. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम. आगे के पेजेस मूव करते हैं. 45 डेज आफ्टर मिसहैप सेकंड बॉडी डिटेक्टेड इन मेघालय माइन. तो बेसिकली अब तो कुछ डिस्कस करने के बारे में बचा नहीं है. हमने पूरा डिस्कस कर लिया, इसको पूरा डाइसेक्ट कर लिया. बट एक बार फिर से बता दूं कि कसान माइंस थी, KSAN कसान माइंस थी. ईस्ट जयंतिया हिल में ये एक्सीडेंट हुआ. इस पूरा जो इंसिडेंट है वो रैटहोल माइन का है. रैटहोल माइंस क्या होती है कि आप कहीं से भी खुदाई चालू कर देते हैं, जब तक आपको कोयला नहीं मिलता फिर आप दूसरी डायरेक्शन में शुरू कर देते हैं. तो बेसिकली रैटहोल्स टाइप के छोटे छोटे छेद मिलते हैं और दैट इज द थिंग विच इज बिहाइंड दिस एक्सीडेंट. ये इलीगल माइनिंग थी, रैट होल माइन. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोल स्टीम. ओके, एंड ये सारे एक्सीडेंट हुए, मिसहैप हुआ. गवर्नमेंट भी थोड़ा वीक रही, बचाने में असफल रही एंड पीपल डाइड देयर. ओके,
नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम. आगे की न्यूज़ आइटम में आते हैं. ये पूरा पेज फिर वही है, यहाँ पे रिपब्लिक डे के बारे में ही है. अब यहाँ पे कुछ हम आर्टिलरीज के बारे में देख लेते हैं. तो K9 वज्र जो है, इट इज़ अ ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन. याद रखिएगा, K9 वज्र, वॉट इज इट? इट इज सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन. देन द परेड ऑल्सो फीचर्ड T90 भीष्म. T90 भीष्म क्या है आपका? इट इज़ अ मेन बैटल टैंक. ओके, मेन बैटल टैंक M777 जो आपका अल्ट्रालाइट होविट्जर है. यहाँ पे लिखा हुआ है अल्ट्रालाइट होविट्जर. ये क्या है? M777 अल्ट्रालाइट होविट्जर फ्रॉम USA. ओके, एंड T90 भीष्म जरूर याद रखिएगा, मेन बैटल टैंक है. देन BMP-2 है जो सरफेस माइन क्लियरिंग सिस्टम है. BMP-2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. BMP-2 इज सरफेस माइन क्लियरिंग सिस्टम. ओके, देन आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम था. आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम BMP-2 जरूर याद रखिएगा, सरफेस माइन क्लियरिंग सिस्टम है. ओके, एंड देन आपका ये मीडियम रेंज सैम डिस्प्ले किया था DRDO ने. ओके, तो याद ये सारी चीज़ें हैं. हॉल मेड रुद्र भी शोकेस किया गया था. तो रुद्र जो है हॉल मेड है, हॉल ने बनाया इसको, वो भी शोकेस किया गया था. तो दीज आर द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू आर्टिलरी गन. यहाँ पे आपको सेंट पीटर मारिट्सबर्ग का टैबलो दिख रहा होगा. यहाँ पे उनको बाहर फेंक दिया गया है, सेंट पीटर मारिट्सबर्ग का. काफ़ी ज़्यादा मूविंग है ये. ओके, पीटर मारिट्सबर्ग का एक्सीडेंट दिखाया गया था, ये मैंने डिस्कस कर लिया. सो दीज आर द थिंग्स विच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपब्लिक डे से रिलेटेड. और ये ज़रूरी भी है जानना, ज़रूरी भी था अपने को. वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पेजेस. आगे के पेजेस मूव करते हैं, आज के एडिटोरियल डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. CMB भारत प्रोजेक्ट देख लेते हैं. व्हाट इज द CMB भारत प्रोजेक्ट? बेसिकली इसरो को एक सजेशन दिया गया है. CMB जो एक कंसोर्टियम है, उन्होंने एक सजेशन दिया है बेसिकली टू फाइंड अ प्रोजेक्ट जो कि विच विल लिसन द फेंटेस्ट मर्मर्स ऑफ द यूनिवर्स. फेंटेस्ट मर्मर्स ऑफ द यूनिवर्स मतलब कोई भी थोड़ी सी भी अगर कोई नई तरीके की माइक्रोवेव या किसी तरीके का बैकग्राउंड नॉइस अगर उनको मिलता है यूनिवर्स में, जो कि जानना जरूरी है, जो कि थोड़ा बता सकता है ग्रेविटी के बारे में, जो कि थोड़ा बता सकता है क्या चल रहा है यूनिवर्स में, कुछ ऐसी अनसॉल्वड जो एनिग्मास है उनको सॉल्व करने के लिए. तो एक प्रपोजल आया है CMB भारत प्रोजेक्ट के नाम पे. CMB का फुल फॉर्म है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड. ओके, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड. दिस विल लिसन द फेंटेस्ट मर्मर्स ऑफ द यूनिवर्स, बेसिकली उसी के लिए है. और अभी रिसेंटली इसरो ने बोला था, एंड दिस प्रोजेक्ट विल हाईलाइट क्या करेगा बेसिकली, ये वही है कि माइक्रोवेव साउंड्स और छोटी छोटी वेव्स को, छोटे 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 से छोटा बैकग्राउंड नॉइज को डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा. कॉस्मोलॉजिकल प्रोजेक्ट है CMB भारत. ओके, तो CMB भारत का अभी प्रपोजल आया है इसरो के पास, अभी पूरी डिटेल्स नहीं आई हैं. अब इसी न्यूज आइटम में एक नाम था ई रोजिटा. यू कैन सी द नेम ई रोजिटा, विच इज अ एक्सरे टेलीस्कोप. ओके, तो एक्सरे टेलीस्कोप है ई रोजिटा. ये लॉन्च होगा कब? ये June 2019 में लॉन्च होगा. तो CMB भारत होगा, एंड इसमें और डिस्कशन किया गया ई रोसिटा के बारे में, जो कि लॉन्च होगा June 2019 में. एक्सरे टेलीस्कोप है, याद रखिएगा. CMB का मतलब क्या है? कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड मिशन. ओके, और याद रखिएगा, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी इस न्यूज आइटम में. यहाँ कुछ लिखा है क्या अपन ने? हाँ, CMB के बारे में, कंसोर्टियम ऑफ इंडियन कॉस्मोलॉजिस्ट. तो बेसिकली जो सजेशन दिया किसने है, तो कुछ इंडियन कॉस्मोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये सजेशन दिया है इसरो के लिए टू स्टडी द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड फ्रीक्वेंसीज. ओके, तो याद रखिएगा कि इंडियन कॉस्मोलॉजिस्ट ने ही सजेशन दिया है, और ई रोसिटा जरूर याद रखिएगा. नाउ प्रोटेक्ट प्लांटेशन फॉरेस्ट टू मिनिमाइज द कन्फ्लिक्ट. बेसिकली ये मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट के बारे में, जो एलिफेंट कॉरिडोर से लोग गुजरते हैं वहाँ पे बहुत सारे एलिफेंट्स को नुकसान पहुँच रहा है. इनफैक्ट मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. हम उनके घरों में घुस रहे हैं, नाउ दे आर एंटरिंग इन टू अवर हाउसेस. बेसिकली यही चीज़ें हो रही हैं. अगर आपने देखा हो कि रिसेंटली बहुत सारे इंसिडेंट बढ़े हैं कि लेपर्ड्स आ गए हैं, शेर आ गए हैं बिल्कुल लिविंग एरिया में, रेजिडेंशियल एरिया में. तो बेसिकली इसका रीज़न यही है कि अगर हम उनके घर में घुसेंगे तो दे विल एंटर इन टू अवर ओन हाउसेज. ओके, नाउ दिस इज वॉट हैज suggested that we have to protect the plantation and forest to minimize the conflict. We have to protect the plantation and forest to minimize the conflict between man and animal. So basically yahi suggestion hai jo ki diya ja raha hai. So that is it from this newspaper. Is paper mein to ho gaya. Now second paper mein aate hain apan. The second newspaper जो सेक्शन 2 है द हिंदू का. यहाँ जो पहली न्यूज़ है वो अलवर के गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में है, विच हैव मेड अ टर्न अराउंड विद अ मॉडल प्लान. बेसिकली एक मॉडल प्लान उन्होंने चलाया था जिसके कारण कि वहाँ के गवर्नमेंट स्कूलों की दिशा दोनों बदल गई है. ओके, तो आप सबको पता है गवर्नमेंट स्कूल्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं. ओके, क्योंकि मेरा तो पूरा जो फैमिली बैकग्राउंड है दैट इज़ रिलेटेड टू द गवर्नमेंट स्कूल्स ऑनली. तो मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत मतलब जब भी जितनी भी मेरी जिंदगी हुई मैंने हमेशा स्कूल से रिलेटेड चीज़ें हर दिन जानी है, हर दिन सुनी है. तो गवर्नमेंट स्कूल्स की कंडीशन बहुत ख़राब
खराब है, टीचर या तो जाते नहीं है, अगर जाते हैं तो बैठे रहते हैं, बहुत लेट जाते हैं, पढ़ाते नहीं है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। नाउ अलवर में भी गवर्नमेंट स्कूल्स है, बट वहाँ एक टर्न अराउंड हुआ है विद अ मॉडल प्लान। नाउ वो प्लान बेसिकली क्या है, प्लान ऐसा कुछ खास नहीं, हम सब जानते हो सारी चीज़ें क्या है, कि वहाँ पे क्या हो रहा है कि दो सिविल सोसाइटीज़ है, सिविल सोसाइटीज़ वहाँ पर आई हैं एंड फाइनेंशियल सपोर्ट उनको फिनिश एजेंसी से मिल रहा है। नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज दैट दे आर हेल्पिंग दीज टू गेट बेटर एमिनिटीज़। वहाँ पे फर्नीचर की व्यवस्था अच्छी कर दी गई है, के आन फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है बच्चियों को, लड़कियों के लिए, जो सिक्योरिटी सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए साइकिल्स प्रोवाइड की जा रही हैं। देन स्मार्ट क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, स्मार्ट क्लासेस इन द गवर्नमेंट स्कूल्स प्रोवाइड की जा रही है, मतलब स्मार्ट क्लास मतलब आईटी का भी यूज़ किया जाएगा। देन ये क्या कर रहे हैं कि बेसिकली ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं टीचर्स के लिए, ओके तो टीचर्स के लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि वहाँ के टीचर्स का भी स्टैंडर्ड बढ़े, ओके। एंड मेजर दिक्कत क्या रहती है गवर्नमेंट स्कूल्स में कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं रहती, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहता, हाइजीनिक कंडीशन सही नहीं रहती, टॉयलेट फैसिलिटीज़ नहीं रहती, जिस कारण जो गर्ल्स हैं वो सिक्योर नहीं फील करती हैं। प्लस बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं तो वहाँ पे लेने आने जाने की व्यवस्था अगर नहीं है तो आने जाने में भी उनको तकलीफ होती है। तो बेसिकली इन्हीं सबको दूर कर रही है ये सिविल सोसाइटीज़ और फिनिश एजेंसी जो कि वहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है। तो ये रामगढ़ में ये गवर्नमेंट स्कूल्स में चीज़ें की जा रही हैं, ओके। तो बेसिकली अपने को रामगढ़ भूल जाना, अपने को रामगढ़ दिमाग में नहीं रखना, अपने को दिमाग में रखना क्या चीज़ें की जा रही हैं ताकि अगर आपको मेंस में क्वेश्चन पूछे तो आप ये सारी चीज़ें उनका जिक्र कर सकें वहाँ पे, ओके। देन आपको और क्या समस्याएं आती हैं, जैसे ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा रहता है, तो अपने को वो खत्म करने के लिए उनसे बात करनी चाहिए, समझनी चाहिए कि क्या दिक्कत है, किस कारण से आपने इसको ड्रॉप आउट किया है। अगर आपको कारण पता चल जाएगा तो आप उसका निवारण जरूर कर देंगे, ओके। देन आपको हाइजीनिक फैसिलिटीज, टीचर्स की ट्रेनिंग को भी मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि अगर टीचर ट्रेन नहीं तो बच्चे वहाँ पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। देन और क्या चीज़ें की गई रामगढ़ स्कूल में, जैसे लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज, ये सारी अच्छी कंडीशन में है, तो वहाँ पर बच्चों को और ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आता है। तो बेसिकली ये सारे इनोवेशन लिए गए हैं और इन्हीं के कारण वहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कूल से वहां पे टर्न अराउंड हुआ है, और यही सारा मॉडल जो है हमको नेशनल लेवल पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। नाउ इंडिया ऑस्ट्रेलिया टू इंक अ पैक्ट फॉर फ्रेश एक्सट्राडिशन पैक्ट, ओके, फ्रेश एक्सट्राडिशन पैक्ट। तो बेसिकली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के और करीब आ रहे हैं। जो मेजर इशूज है पहले हम वो देख लेते हैं, मेजर इशूज क्या है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन में। पहला है टेररिज्म, देन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, देन स्पाइंग एंड नारकोटिक्स ट्रेड, ओके। तो स्पाइंग, नारकोटिक्स ट्रेड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, ये मेजर की इशूज हैं, इनको ध्यान में रखिए। अगर आपको कभी लिखने के लिए आता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन के बीच में मेजर की इशूज क्या हैं, तो यहाँ पे टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्पाइंग, नारकोटिक्स ट्रेड आप लिख सकते हैं। इसके अलावा ये तो सिक्योरिटी, सेफ्टी, डिफेंस वाले पैक्ट्स हैं, और उसके अलावा कुछ जैसे न्यूक्लियर प्रोग्राम में बहुत ज्यादा हम उनके साथ हो सकते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी में हो सकते हैं, मैरिटाइम सिक्योरिटी में हो सकते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग रीजंस को हम उसमें टेस्ट कर सकते हैं। नाउ इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने एक्सट्रेडिशन ट्रीटी जो साइन की थी वो 2008 में साइन की थी, बट इट केम इनटू फोर्स इन 2011। तो 2008 में साइन की थी और 2011 में वो फोर्स में आई थी, ओके। नाउ अंडर दिस ट्रीटी बोथ कंट्रीज डिसाइडेड टू रिकॉग्नाइज एक्सट्राडिबल ऑफेंसेस, ऐसे ऑफेंसेस उन्होंने ढूंढे थे जिसमें एक्सट्राडिशन पॉसिबल है, और वो ऑफेंसेस क्या है, जहां पे पनिशमेंट ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर और सीवियर पेनाल्टी, जहां पे कम से कम 1 साल की पनिशमेंट हो और या फिर सीवियर पेनाल्टी हो। तो बेसिकली इनको ही इंक्लूड किया जाता है आपके 2008 के बाद, जो 2008 में जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी थी। नाउ जो नई ट्रीटी है दैट विल फोकस ऑन मोर स्पेसिफिक क्राइम्स, ओके, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, नारकोटिक्स, हमने जो डिस्कस किए ना की इश्यूज, उन्हीं के स्पेसिफिक एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी अब साइन करने की बात इंडिया ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं। बेसिकली दिस इज द न्यूज आइटम, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंस है, ओके, ये जरूर याद रखेगा। और इसके अलावा हमने एक और चीज़ बताना जरूरी समझता हूँ मैं आपको, कि अगर एक्सट्राडिशन ट्रीटी आपकी नहीं है, देन इट इज़ ऑन द विल ऑफ दैट कंट्री कि वो भेजता है क्रिमिनल की नहीं। एक्सट्राडिशन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल विजय माल्या यहाँ से गए, भाग के ब्रिटेन चले गए, अब ब्रिटेन के साथ अगर हमारी एक्सट्राडिशन ट्रीटी है तब तो ब्रिटेन से विजय माल्या को वापस लाया जा सकता है, बट अगर एक्सट्राडिशन ट्रीटी नहीं है तो ब्रिटेन के ऊपर रहेगा ये कि वो उनको भेजना चाहते हैं कि नहीं। तो बेसिकली उसी के ऊपर ये न्यूज़ आइटम था, वी आर साइनिंग दिस ट्रीटी विद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के मेजर इशूज़ क्या हमने देख लिए और अब हम क्या करेंगे उसको रिगार्डिंग रखते हुए एक ट्रीटी डिवाइस करेंगे। नाउ वेस्ट इंडीज के साथ भी सेम प्रॉब्लम है, वेस्ट इंडीज में क्या हो रहा है अभी रिसेंटली कि जो लोग यहाँ से भाग रहे हैं, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इकोनॉमिक अफेंडर जो यहाँ से भाग रहे हैं, जैसे मेहुल चोकसी लोग, व्हाट दे आर डूइंग इज दैट दे आर गेटिंग इन्वेस्टमेंट सिटीजनशिप। अब देखो ये नया टर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मेंस में आप लिख सकते हैं, आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, बहुत अच्छा टर्म है और ये बताना जरूरी भी है। तो इन्वेस्टमेंट सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है कि आप जाओ दूसरी कंट्री में, यहां पे चोरी करो और दूसरी कंट्री में जाके उनको आधा पैसा दो और बोलो कि आप हमको अपनी सिटीजनशिप दे दो, तो वो इन्वेस्टमेंट सिटीजनशिप है, मतलब पैसे देके सिटीजनशिप ले ली जाती है। और ये काम हो रहा है वेस्ट इंडीज कंट्रीज में, जैसे कि बारबुडा, ये
आपके एंटीगुआ एंड बारबुडा, यहाँ पे जाके जैसे मेहुल चौकसी यहाँ पे गए और जाके ले लिए सिटीजनशिप, फिर वहाँ पे मेहता गए थे वो किट्स एंड किट्स में ले लिए। तो बेसिकली दिस इज द सिटीजनशिप थ्रू इन्वेस्टमेंट एंड दिस हैज बिकेम वेरी पॉपुलर अमंग द इंडियन इकोनॉमिक ऑफेंडर्स। तो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स जो यहाँ से चोरी करके भाग रहे हैं ना, वो ये कर रहे हैं, वहाँ पे जाके अपना ट्रीट वो कर ले रहे हैं, सिटीजनशिप ले रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग में हमको कुछ करना पड़ेगा और यहाँ पे एक और पैक्ट करना पड़ेगा ताकि हम इस तरह की चीज़ों को बंद कर सके और इस तरह के चोरों को वापस ला सके, पकड़े सके। नाउ इंडिया क्वेश्चंस अ रश टू डिक्लेयर क्लाइमेट चेंज अ सिक्योरिटी इशू। बेसिकली यूएन ने क्या किया है, लेट मी टेल यू द न्यूज आइटम, कि यूएन ने बोला कि जो क्लाइमेट चेंज है उसको एक सिक्योरिटी इशू बना दिया जा रहा है। दे आर ट्राइंग टू डिक्लेयर, यूएन विल डिक्लेयर क्लाइमेट चेंज एज अ पोटेंशियल सिक्योरिटी इशू। नाउ इंडिया ने इसका खंडन किया है, इंडिया हैज अपोज्ड दिस मूव। व्हाट दे आर सेइंग इज दैट कि क्या होगा कि अभी UNFCCC के अंदर आता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। अब अगर एक सिक्योरिटी इशू हो जाएगा तो ये UNSC के अंदर आ जाएगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आ जाएगा। तो बेसिकली इंडिया ने यही क्वेश्चन किया कि क्या ये जरूरी है, व्हाई आर यू डूइंग दिस थिंग, आप इस तरह से क्यों डिसरप्ट कर रहे हो। बेसिकली दिस विल डिसरप्ट द एक्टिविटीज विच आर गोइंग अंडर द पेरिस क्लाइमेट। तो अभी तो सारी एक्टिविटीज पेरिस क्लाइमेट के अंदर चल रही है। फिर अगर एक और चीज दिक्कत यह है कि जब यूएनएससी के अंदर आ जाएगा तो परमानेंट 5 मेंबर्स और ये सारी चीजें समस्याएं आ जाएंगी, जो यूएसए यूके रशिया फ्रांस एंड चाइना, ये जो परमानेंट 5 हैं, जो P5 कहलाते हैं, इनका ज्यादा वर्चस्व बढ़ जाएगा। अभी UNFCCC के अंदर आता है। तो इंडिया ने ये सारी चीजें सोच के ही इस मूव को अपोज किया है। बेसिकली दैट इज द न्यूज आइटम, ओके। तो हमको भी जानना जरूरी है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, अगले के पेज मूव करते हैं। दिस इज रिगार्डिंग द सरस क्रेन, ओके। सरस क्रेन आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख नहीं रहा होगा, यू कैन सी नाउ, ओके। सरस क्रेन ये एक स्पीशीज है और दे फीड ऑन द हार्मफुल इंसेक्ट्स एंड देयर बाय दे कंट्रोल द पेस्ट्स। तो बेसिकली ये हार्मफुल इंसेक्ट में फीड करते हैं और पेस्ट को कंट्रोल करते हैं, ओके। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि इनके थोड़ा नंबर डिक्रीज हो रहे थे, बट उत्तर प्रदेश में इनकी पॉपुलेशन को और ज़्यादा बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। एंड इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वर्ल्ड्स टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड, ओके, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड, तो ये याद रखिएगा। अब ह्यूमन डिग्रेडेशन के कारण, जो ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण इनका हैबिटेट जो है वो डिग्रेड हो रहा है और इस कारण से इनके नंबर्स घट रहे थे, बट अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश ने इनको न्यू लीज ऑफ लाइफ दी है और वहाँ प्रयास किए जा रहे हैं सरस क्रेन को बचाने के। नाउ पॉपुलेशन ऑफ सरस क्रेन जो है वो थोड़ा घटती जा रही है एंड IUCN के अंदर जो इनका स्टेटस है वो है वल्नरेबल, सो दे आर वल्नरेबल इन द IUCN लिस्ट ऑफ थ्रेट्स, जो IUCN की रेड डेटा लिस्ट आती है उसके अंदर ये वल्नरेबल है, अभी ये भी याद रखेगा। एंड इट इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सरस क्रेन जो है वर्ल्ड की टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है एंड इट इज ऑल्सो इंडियाज ओनली रेसिडेंट ब्रीडिंग क्रेन, ओके। तो इंडिया की केवल एकमात्र रेसिडेंट ब्रीडिंग क्रेन भी है, दिस इज अनदर फैक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन UPSC बहुत पूछता है स्टेटमेंट टाइप, कि सरस क्रेन के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। जैसे वो दे सकते हैं कि ये सरस क्रेन इज इंडियाज ओनली रेसिडेंट ब्रीडिंग क्रेन, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट रहेगा। बोल सकते हैं इट इज वर्ल्ड्स टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड, इट इज अनदर करंट करेक्ट। और अगर ऐसा दे दिया कि वर्ल्ड टॉलेस्ट नॉन फ्लाइंग बर्ड, तो गलत हो जाएगा। देखो तो इस तरह से UPSC थोड़ा खेलता है और ये हमने को ध्यान में रखना है कि अपने को गलत नहीं करना इस तरह के क्वेश्चन, ओके। और ये फीड किस में करते हैं, ये एनिमल्स पे ये फीड करते हैं, इंसेक्ट्स पे, और पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। तो दीज आर द थिंग्स एंड दे नेस्ट इन द वेटलैंड सच एज राइस एंड पैडीज, यहाँ के उसमें ये रहते हैं, ओके। तो इनको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यू कैन सी द फोटोग्राफ, आपको दिख रहा होगा एंड यही इसी तरीके के दिखते हैं, वेरी ब्यूटीफुल है, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। सो नेक्स्ट न्यूज आइटम, अभी हमने कैरकास की बात की थी, वेनेजुएला की बात की थी, कल मैंने कू की बात की थी कि USA ने कू के लिए प्रयास किया था, आर्मी को बोला कि आप ठीक है जो निकोलस मादुरो हैं उनको हटा दो, निकोलस मादुरो को हटा दो। क्यों हटा दो, मैंने बताया था कि वेनेजुएला की जो इकोनॉमी है बिल्कुल एक तरह से क्रम्बल कर गई है, क्यों, क्योंकि वो ऑयल पे एक्स्ट्रा डिपेंडेंट थे और ऑयल के जब प्राइजेस घटने शुरू हुए तो वहाँ पे 10% तक पहुंच गया आपका जो वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट था, 90% पॉपुलेशन वहाँ की जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आ गई। और इसीलिए जुआन गैडो ने जब खुद को प्रेसिडेंट बोला तो इसका सपोर्ट USA ने किया, बोला कि ठीक है मदुरो के कारण ही ये सारी दिक्कतें हुई हैं। नाउ स्पेन फ्रांस और जर्मनी ने बोला है मदुरो को कि आप फ्रेश इलेक्शंस होल्ड कराएं, यू शुड होल्ड फ्रेश इलेक्शंस और फिर देखा जाए कि कौन जीतता है, उसके बाद ही डिसीजन लेना चाहिए।
नाउ आईज वाइड शट, बेसिकली जो ये न्यूज आइटम है ये है भोपाल गैस ट्रेजेडी के ऊपर। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी आपकी दिसंबर 2 और 3 की मिडनाइट को, इट वॉज ऑन द मिडनाइट ऑफ दिसंबर 2nd and 3rd, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1984। ओके, तो दिसंबर 2-3 की मिडनाइट 1984, गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइट। ओके, आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट वॉज द नेम ऑफ द गैस। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक गैसेज विच लीक्ड फ्रॉम द फैक्ट्री इन भोपाल ओन्ड बाय यूएस केमिकल जॉइंट यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन। तो यूएस की केमिकल कंपनी थी यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन। ओके, एंड इसको इंडिया में ओवरटेक किया गया था बाय डो केमिकल ने। ओके, तो विच वॉज ओवरटेकन बाय डो केमिकल, एंड इसमें गैस का नाम याद रखेगा मिथाइल आइसोसाइनेट। इसका जो ईयर है वो याद रखेगा 1984, दिसंबर 2nd and 3rd की मिडनाइट को एक्सीडेंट हुआ था। नाउ बेसिकली बात यह है कि अभी जो नई जनरेशन आ रही हैं उनके में बहुत सारी डिसेबिलिटीज देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ द सेरेब्रल पैल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डाउन सिंड्रोम, ओके, अटेंशन डेफिसिट, ब्लाइंडनेस, लर्निंग डिफिकल्टीज, ग्रॉस मोटर डिले, ये सारे रैम्पेंट है इस एरियाज में जहां भी लोग अफेक्टेड हुए थे, और वो सारी चीजें इग्नोर की जा रही है। हमको बस वो चीजें दिख रही हैं जो उस समय हुई थी, जो लोग वहां पे मर गए थे, जो लोग वहां पे जिनकी डेथ हुई थी, बट वी आर इग्नोरिंग ऑल दोस जो आज भी परेशान है, आज भी डिसेबल्ड है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल्स एंड प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली हमको वो सारी चीजें ध्यान में नहीं है, बेसिकली उसी के ऊपर ये ध्यान लाया गया, बट जो फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिए, उनके ऊपर पूरा उनको याद रखेगा। ओके, बांग्लादेश की इलेक्शन स्क्रूटनी में है, ये सारे हमने देख लिया। नाउ चाइना ने यहाँ पे दो टर्म्स बेसिकली न्यूज में आए थे, चाइना की इकोनॉमी अभी स्लो डाउन पे है, उस स्लो डाउन के कारण दो टर्म्स चाइना ने दिए हैं, वो है ग्रे राइनो और दूसरा ब्लैक स्वान्स। ओके, ग्रे राइनो एंड ब्लैक स्वान्स। नाउ ग्रे राइनो क्या है, इट इज अ प्रोबेबल इवेंट, एक ऐसा प्रोबेबल इवेंट जहां पे मार्केट्स जो है वो बहुत ज्यादा शेक हो जाता है और फाइनेंशियल आउटफ्लोज बहुत ज़्यादा घट जाते हैं, विच बिजनेस का जो कॉन्फिडेंस होता है वो घट जाता है। ओके, 2008 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी, इट वाज अ ग्रे राइनो, कि इसको डिक्लेयर कर दिया गया था, ये प्रोबेबल हो गया था, और इसको रघुराम राजन ने तो प्रिडिक्ट भी कर दिया था। तो ग्रे राइनोज आर बेसिकली द प्रिडिक्टेबल इवेंट्स जो कि मार्केट को शेक कर देते हैं, और 2008 का जो आपका फाइनेंशियल क्राइसिस था वो एक एग्जांपल है ग्रे राइनो का। दूसरा है ब्लैक स्वान्स। ओके, ब्लैक स्वान्स, ये जी जिनपिंग ने कहा है ब्लैक स्वान, ये क्या है, दे आर नेल हार्ड टू प्रिडिक्ट इवेंट्स, ये प्रिडिक्ट नहीं हो पाते। ओके, एंड ये जैसे कि अभी टेरर स्ट्राइक्स हो गई, ये प्रिडिक्टेबल नहीं है। ब्रेक्सिट प्रिडिक्टेबल नहीं था, किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था कि ब्रेक्सिट होगा। ओके, इस तरह के जो इवेंट्स हैं, एंड ये एक्सट्रीम फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस को लाते हैं। तो ग्रे राइनोज एक हो गए, दूसरा ब्लैक स्वान्स हो गए। ग्रे राइनोज जो है वो प्रिडिक्टेबल है, ब्लैक स्वान्स जो है अनप्रिडिक्टेबल है, हमने देख लिया सारी चीज़। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम था, एंड आई होप आपको मज़ा भी आएगा सुनने में। देखो, कुछ भी नया मिलता है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तो आपको भी आता ही होगा। ओके, आई टेक दैट फॉर ग्रांटेड, मुझे लगता है कि आपको आता होगा। ओके, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डीप और ज़्यादा कंसेप्चुअल इंटर भी करता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत लोग इंटर नहीं करते, बहुत लोग छोड़ देते हैं, बट मुझे लगता है कि नहीं, ये सारी चीज़ ज़रूरी है जानना आपके लिए। ओके, ना यहाँ पे हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत ईजी है, बहुत बार आपने देख भी लिया होगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें हैं उनके ऊपर है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कैसे आती है, और उसको जब मिक्स कर देंगे हम न्यूक्लियर लेवल पे और इन सब चीज़ों पे और ज़्यादा डिजिटलाइजेशन कर देंगे, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण वो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बन जाएगा। नाउ पीपल आर सेइंग दैट कि जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो जॉब ले लेगा, वो लोगों से जॉब ले लेगा, वर्क फोर्स, ह्यूमन फोर्स को वो नल एंड वॉइड कर देगा। बट अभी जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि ये दे आर नॉट टेकिंग द ह्यूमन जॉब। वॉट दे आर डूइंग इज दैट दे आर रिलीजिंग दैम फ्रॉम द रिपीटेटिव टास्क। मशीन्स और AI के जो फेवर कर रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि ये ऐसा नहीं कि ह्यूमन्स के जॉब को ले लेगा, बट ये रिपीटेटिव काम को खत्म कर देगा। ओके, तो जो रिपीटेटिव काम बार बार आप कर रहे हो तो उसको खत्म कर देगा। दूसरी चीज वो क्या बोल रहे हैं कि जो लोग यहाँ से जा रहे हैं, अगर ठीक है, अगर कुछ ऐसे काम है जो AI ले लेगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मशीन्स ले लेंगी, तो उसके जगह उन लोगों को रीस्किल करके कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, कोई दूसरी जॉब्स में डाल सकते हैं। तो बेसिकली ये दो आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं कि पहला तो ये कि ऐसा नहीं कि जॉब ले लेगा, ये बेसिकली उनको रिलीज कर देगा फ्रॉम द ओनरस रिपीटेटिव टास्क। दूसरा बोल रहे हैं कि अगर वो जॉब जाती भी है तो उनको रीस्किल करके आप दूसरी जगह जॉब दे सकते हो या कुछ और अच्छा करवा सकते हो। तो बेसिकली कुछ ऐसा करवाओ ना जिसमें उनको ज्यादा बेनिफिट हो। अब एक इंडेक्स न्यूज में था बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, तो लेट मी टेल अबाउट बाल्टिक ड्राई इंडेक्स। व्हाट इज दिस बाल्टिक ड्राई इंडेक्स? इट्स अ शिपिंग एंड ट्रेड इंडेक्स, याद रखिएगा, इट्स अ शिपिंग एंड ट्रेड इंडेक्स। इसको कौन इशू करता है? इट इज इशूड बाय लंडन बेस्ड बाल्टिक एक्सचेंज। अब लंडन में है बाल्टिक एक्सचेंज,
वही लॉन्च करता है, इसीलिए इसको बाल्टिक ड्राई इंडेक्स बोलते हैं। शिपिंग और ट्रेड रिलेटेड इंडेक्स है। ये कब बना था? ये 1999 में बना था एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ तीन सब इंडाइसेस है इसमें, और उन तीन सब इंडाइसेस का नाम क्या है? कैप्साइज, पैनामैक्स एंड सुप्रामैक्स। ओके, कैप्साइज, पैनामैक्स एंड सुप्रामैक्स, दीज आर द थ्री सब इंडाइसेस, 1999 में एस्टैब्लिश हुआ था। कौन रिलीज करता है? लंदन बेस्ड बाल्टिक एक्सचेंज रिलीज करता है एंड सर शिपिंग एंड ट्रेड रिलेटेड इंडेक्स, बाल्टिक ड्राई इंडेक्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये भी जान के। अब अगली न्यूज मार्केट में मूव करते हैं। काफी बड़ा आता है पेपर, लेकिन जब मैं पढ़ सकता हूँ इतना तो आप तो मेरे साथ पढ़ ही सकते हो ना, कि तो आपको भी अच्छा लगना चाहिए। और कोई न्यूज आइटम आई है? बिल्कुल आई है, पाकिस्तान के ऊपर एक न्यूज आइटम है। पाकिस्तान डिक्लेयर्ड शुगर केन जूस एज द नेशनल ड्रिंक। तो याद रखिएगा, पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड शुगर केन जूस एज द नेशनल ड्रिंक ऑफ द कंट्री आफ्टर अ पोल ऑन ट्विटर। तो ट्विटर में वोट करा के उन्होंने गन्ने के जूस को नेशनल ड्रिंक बना दिया। हमारे यहाँ भी होता है गन्ने का जूस नेशनल ड्रिंक, लेकिन गर्मियों में केवल, कहते गर्मी में हम बहुत पीते हैं उसको। एंटार्क्टिका में क्रिल्स जो हैं दे आर मूविंग साउथ। ओके, तो क्रिल्स बेसिकली क्रस्टेशियंस होते हैं, क्रस्टेशियंस वाला जिनके आउटर कवरिंग होती है, क्रस्टेशियन हार्ड कवरिंग होती है क्रस्टेशियन, तो उनमें से एग्जांपल है क्रिल का जो कि अंटार्क्टिका में मूव कर रहा है नीचे साउथवर्ड की ओर। क्यों कर रहा है? बिकॉज वहाँ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ओशन टेम्परेचर राइज हो रहा है, जिसके कारण जो इनका फीड है, जो इनका खाना है, वो खत्म होता जा रहा है। ओके, सो दैट इज द थिंग विच इज बिकमिंग अनहेल्दी फॉर देम, क्लाइमेट चेंज के कारण ये भी एक चीज है। जो क्रिल्स हैं वो साउथवर्ड मूव कर रहे हैं। तो बेसिकली दैट इज द न्यूज आइटम। ओके, सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लाइकिंग अस, कीप शेयरिंग अस, कीप सब्सक्राइबिंग अस, थैंक्स फॉर लविंग अस। दैट इज इट फॉर द डे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।